बारिशों में फुटबॉल खेलना, जाकर मिट्टी में गिर गिर के पूरे गंदे होकर आना इज वॉज माई फेवरेट थिंग, और उसके बाद जो पिटाई होती थी वो अलग। मुझे बारिशें बहुत पसंद है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सेट है ना पूरा कवर्ड है, तो जब हम सुबह 9 बजे आते हैं और रात के 9 बजे निकलते हैं तो बारिश के बारे में हमें कुछ नहीं पता चलता, बिकॉज इसे पूरा तरापा कवर किया हुआ है हमारा सेट। तो बस वापस जाते समय जब रास्ते में ड्राइव में थोड़ी बारिश मिल जाती है तो उससे पता चलता है कि बारिश के सीज़न चल रहा है बॉम्बे में, और बॉम्बे की बारिश जो कि इतनी फेमस है इस बार, अभी तक फ़िलहाल इतनी ज़ोर से बारिश हुई नहीं है, वरना मेरे कैलकटा से फ़ोन आना शुरू हो जाता है, बिकॉज न्यूज़ में वो लोग सिर्फ ऐसे जगह कैप्चर करते हैं जहाँ पानी भरा होता है, तो एवरीवन थिंक्स कि बॉम्बे में बाढ़ आ गया, जबकि बॉम्बे में ऐसा बाढ़ आता नहीं, एक बार आया था बट उसके हर साल उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर लोगों को लगता है अरे बॉम्बे में थोड़ी बारिश हुई है और वहाँ बाढ़ आ गया। बट आई मस्ट से इस बार हमारे BMC ने काफ़ी अच्छा काम किया, कहीं वाटर लॉगिंग हुई नहीं है इसलिए शायद मीडिया वहाँ पहुँची नहीं है, इसलिए शायद मुझे अभी तक कॉल आया नहीं घर से। डेफिनेटली चाय एंड पकौड़े इट्स अ मस्ट। इस पूरे महीने मुझे एक छुट्टी मिली थी ईद वाले दिन, बिकॉज कंपल्सरी हॉलीडे था, तो जैसे ही ईद की छुट्टी मिली मैं अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान करके सीधा भागा लोनावला, बिकॉज दैट्स द बेस्ट प्लेस टू बी ड्यूरिंग द रेन्स, हैड पकौड़ा चाय छली भुट्टा, तो बारिशों में ये सब डेफिनेटली इज़ अ मस्ट। आई रिमेंबर वी यूज़ टू स्टे ऑन द 3rd फ्लोर और हम लोग सब छोटे छोटे रहते थे ना जॉइंट फैमिली, तो हम लोग सब ये कागज़ के बोर्ड्स बनाकर अपने बालकनी से नीचे फेंकते थे बहुत, कि वो सही से लैंड करे, और फिर हम लोग देखते थे कि किसका बोर्ड सबसे दूर जाता है। तो दैट इज़ द फॉन्डेस्ट मेमरी आई हैव ऑफ रेन्स। पिटाइयाँ तो बहुत पड़ी हैं, पर बचपन का एक अलग ही मज़ा था बारिशों में रेनकोट पहनकर। अब तो रेनकोट भी नहीं मेरे पास, मैं बहुत बार सोचता हूँ रेनकोट पहनकर बारिश में वॉक करूँगा रन करूँगा, पर वो रेनकोट जाकर खरीदना नहीं होता, वरना अगर मैं खरीदूँ तो फिर मैं बारिश में आई डेफिनेटली गो फॉर अ रन। तो बचपन में तो हम लोग बारिश में रेनकोट पहन करके बाहर निकल के बहुत मस्ती करते थे, एंड फुटबॉल कैलकटा में इतना पॉपुलर है ये गेम, बारिशों में फुटबॉल खेलना, जाकर मिट्टी में गिर गिर के पूरे गंदे होकर आना इज वॉज माई फेवरेट थिंग, और उसके बाद जो पिटाई होती थी वो अलग। सो मेनी थिंग्स यार, अब हम जाके बारिश में खेल नहीं सकते बिकॉज डर लगता है कहीं फीवर हो जाएगा, शूट पे जाना है। तो मैं लोनावला भी गया था, थोड़ी भी बारिश हो रही थी तो मैं छुप जा रहा था कवर में, और मेरे फ्रेंड्स बोल रहे तो आया यहाँ पर इंजॉय करने बारिश वाटरफॉल के अंदर जा, पर आई वाज लाइक नहीं नहीं यार, बारिश के मौसम में तबीयत बहुत जल्दी ख़राब होती है, आधे कोस्टार्स मेरे यहाँ बीमार पड़े हैं, आई कॉन्ट टेक दैट रिस्क ऑफ गेटिंग वेट एंड देन तबीयत ख़राब करने की वो। तो दैट्स द ओनली सैड पार्ट कि मैं भीग नहीं सकता, जहाँ बारिश होता है मैं छुप जाता हूँ कहीं कवर में ताकि फिर बीमार ना पड़ जाऊँ, बिकॉज हर दिन शूट करना है। मुंबई की बारिश बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आता है, प्लीज़ आप TV पे मत जाइए देखने की कि मुंबई में ऐसा हो गया बाढ़ आ गया, इट्स द बेस्ट मौसम। आई तो लव बारिश, मतलब चाय पकौड़े और बस कंबल हो और आप घर में इंजॉय करो अपने अच्छे दोस्तों के साथ। सो आई जस्ट लव द वेदर एंड आई होप आप भी कभी आओ बॉम्बे और इन्जॉय करो इस वेदर को।